पांचो कालिया सांगे तीन सहेलिया ना गौरा राम बारा मांगे अपनी पत्नी को डंडे से पीट पीट कर जो है घर से बाहर भी कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये पत्नी क्या होती है। ये कहीं ना कहीं पति को भी बनता है कि पत्नी को जो है अच्छी तरीका से संभाल कर रखें या फिर उनको किसी तरह का परेशानी ना होने दें, कोई समस्या उस पर ना आए, इसीलिए पत्नी जो है अपने पति के लिए पूजा कर आहार करते हैं या नहीं करते हैं कि आगे और प्रोसेस रहता है वो भी हम जानने का। क्या भसान होने के बाद भी आप लोग भूखे रहते हैं कि उसके बाद खाना चालू हो जाता है? नहीं सर, भूखे तो जब भसान है पति, पति तो भगवान ही होता है। हम मानो या ना मानो, पति तो एक भगवान होता है। इस पर्व आप लोग क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं? पति के लिए करते हैं, पति एक पूजा है ये। भी आप लोग भोजन किए हैं या फिर आज आप लोग ऐसे भूखे रहे दिन भर? आज कल नहा के खाए हैं, आज तो सारा दिन तो भूखे रहे हैं। पर्व है और उसी में एक महिलाओं के लिए तीज पर्व कहा जाता है, जिसमें महिलाएं शादीशुदा महिलाएं ही इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा में क्या होता है वो सारी बातें हम बताने के लिए आए हैं और बताएंगे विस्तार से कि आखिर इस पूजा में किस किस चीज़ का होता है और नहीं होता, वो सारी बातें बताएंगे। इस पूजा में सबसे पहले माता पार्वती और शिव जो भगवान हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इस पूजे में महिलाएँ जो है दिन भर भूखी रहती है दिन भर और रात में जो है इस पूजा को पूजा करते हैं रात में और पूजा अर्चना के दौरान ही ये लोग अपने पति को जो भी वो सारी हम बातें बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक महिला है वो जुड़ने का प्रयास कर रही है, वो बताने का प्रयास करेगी कि ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। आइए सबसे पहले आप हमको बताइए कि इस पर्व आप लोग क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं? पति के लिए करते हैं, पति एक पूजा है ये। और पहला प्रथम तो कहे हैं पहला कल जो था नहाने खाने के लिए तोड़ चना के दाल बना और कद्दू की सब्जी बना, चावल बना और नहा धो के ये शुद्ध भोजन करते हैं। इस पर्व में महिला क्या करती है ऐसा जो अपने पति का पूजा करती है, है ना? ऐसा क्या है पहले विस्तार से बताइएगा। कल जो है आप लोग जो है शुद्ध भोजन किए होंगे, बिना जो है कोई मसाला का डाले हुए जो है ये लोग आहार शुद्ध भोजन किए थे। आज भी आप लोग भोजन किए हैं या फिर आज आप लोग ऐसे भूखे रहे दिन भर? आज कल नहा के खाए हैं, आज तो सारा दिन तो भूखले रहे हैं, खाना नहीं खाए हैं। खाना खा के तो पूजा ही पति बढ़ते हैं, पति पूजा तो है और भगवान होता है पति, पति तो भगवान ही होता है। हम मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, पति तो एक भगवान होता है, एक ईश्वर होता है। और तो एक पति खातिर ले तो पूजा हम करवे करते हैं सर, हम क्या करें। अच्छा, पूजा आप लोग किस समय किए हैं, कब करते हैं, रात्रि में कितने बजे किए हैं? नहीं, सुबह तो इसमें पूजा नहीं होता है पार्वती के और महादेव के, जब भी होता है तो 7 बजे 8 बजे से रात। आज 7 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद रात्रि भर चलते रहता है और रात भर हम जागे रहते हैं, सोते तो नहीं है, पूजा करते रहते हैं, नहाते कूदते समय पार कर देते हैं और 4 बजे भोर होगा तो फिर नहाएंगे धोएंगे फिर पूजा करेंगे और पति के फिर पूजा करके और 6 बजे चाहे 5 बजते 6 मान के चलिए 6 बजे फिर हम पार्वती के और गौरा के आदि महादेव के फिर मट्टी के मूर्ति है फिर भसाने जाते हैं। यानी जो है ये जो है महिलाएं रात को 7 बजे से पूजा स्टार्ट करती है और रात भर जो है जारी रहता है ये पूजा, क्योंकि ये जो है रात भर सोते नहीं हैं, ये रात भर जगी हुई रहती हैं, जिसके वजह से ये लोग अपने पति को जो है
पूजा करते हैं और पूजा का अर्चना जो है सहे हुए रहते हैं रात्रि 4 बजे तक, और सुबह जब होता है 4 बजे तो ये लोग फिर से नहा धोवा कर अपने पूजा अर्चना के लिए आ जाते हैं, और सुबह में पूजा करके ये महादेव और गौरी को जो होता है पूजा करके उसके बाद ये सुबह जो है 5 बजे विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद जो है ये अपना भोजन शायद आहार करते हैं या नहीं करते हैं कि आगे और प्रोसेस रहता है वो भी हम जानने का, क्या भसान होने के बाद भी आप लोग भूखे रहते हैं कि उसके बाद खाना चालू हो जाता है? नहीं सर, भूखे तो जब भसान हो जब गौरी माता और महादेव जो चली जाती है बच्चे बुतरू जाती है भसाने के लिए, उसको भाई उठा देंगे पूजा पाठ कर करके चल जाएगी, तो और हम तो भूखे तो नहीं रहते, एक शरबत बनाती है और केला खा करके पानी। पहले जो है ये लोग फल का आहार लेते हैं और फल खाती हैं, फल के बाद जो है उसके बाद जो है भोजन लिया जाता है। अच्छा एक चीज़ और हमको बताइए, ये जो पूजा अर्चना किए हैं है ना, ये पूजा अर्चना सिर्फ शादीशुदा ही महिला करेगी या फिर कुंवारी लड़कियां भी करेगी, इस बात से हम थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहते हैं। नहीं सर, शादीशुदा वाला करती है, कुमार तो करती है नहीं। अच्छा, आप कुमार कब से ये मतलब पूजा करते आ रही हैं? हम तो कर रही हैं कम से कम 12 साल से। और चलिए तो ये जो है पूजा सिर्फ शादीशुदा ही महिला करेगी, दूसरा नहीं कर सकती है, और ये जैसा कि बताई हैं ये 12 साल से करती आ रही है ये पूजा को, और ये पूजा करके अपने पति को सुखी देखना चाहती है, खुश देखना चाहती है, ऐसा ना हो कि पति पत्नी जो है अपनी पति के लिए पूजा करता है तो कहीं ना कहीं पति को भी बनता है कि पत्नी को जो है अच्छी तरीका से संभाल कर रखें का, या फिर उनको किसी तरह का परेशानी ना होने दें, कोई समस्या उस पर ना आए, इसीलिए पत्नी जो है अपने पति के लिए पूजा करती है। लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पति जो है अपनी पत्नी को डंडे से पीट पीट कर जो है घर से बाहर भी कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये पत्नी क्या होती है, ये बातें जो है हम आपको बता दिए हैं। लेकिन आज से अगर आप लोग नहीं देखे हैं अगर ऐसा वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज़ बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं कि पति को पत्नी को जो है पीटा जाता है और घसीट कर बाहर किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज़ और भी हम बोलना चाहेंगे, पत्नी जो भी है पति को भी पिटाई कर देते हैं, कभी वो जो है शराब पी कर आते हैं या फिर कुछ और करके आते हैं, तो उस समय पत्नी जो है अपनी पति को नहीं पहचान पाती हैं कि ये मेरा पति है, जबकि पति एक परमेश्वर होता है और ये नहीं पहचानने के बावजूद जो है झाड़ू हो या कोई चीज़ हो उसे मतलब पति को मारते हैं, उस समय उसका पर्व जो है उसका जो धर्म होता है वो टूट जाता है, फिर उसका संबंध क्या होता है, क्या बंधन रहता है, ये नहीं कहना चाहते। अच्छा और क्या कुछ बोलना चाह रही थी? क्या बोलना चाह रहे थे, यही कि देखिए ये तो पति के पूजा है ही है, लेकिन एक आगे पति खत्म निकल जाता तो क्या कर जाता है, उसको तो फिर पूजा पति पति होता है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि करना चाहिए पति के और चाहे पत्नी के। क्या आपके पति जो है आपको केयर करते हैं, आपको ध्यान रखते हैं, आपका सम्मान करते हैं? ऐसा हो कि मेरा जैसा सबके पति, ऐसा भगवान ऐसा मिले कि सबको समय कटेगी बढ़िया से और सब चीज़। तो आप भी अपने पति का केयर करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं सर, करते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि हमारे जैसा अगर पति सभी को मिल जाए तो सभी का दिन जो है सुखी सुखी कट जाएगा, लेकिन ऐसा मिलता कहाँ है, ये आप तो देखते ही हैं, शराब पीकर नौटंकीबाज इधर उधर करती है और पिटाई जबरदस्त पत्नी को कर देते हैं। पाँचों कालिया सांगे तीन स
सहेलियाना गौरा राम बारा मांगे सीता साम बारा मांगे राधा राम बारा मांगे सीता साम बारा मांगे गौरा मांगी ललका। क्या आपको आ रहा है ये आप कमेंट में बताएं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। जय हिंद।